नमस्कार, दादी माँ का बताया नुस्खा, चंद्रग्रहण के बाद इन सफ़ेद चीज़ों का दान अवश्य करें। कल 5 मई शुक्रवार को बुद्ध पूर्णिमा पर साल का पहला चंद्रग्रहण तुला राशि में लगने जा रहा है और इस दिन भद्रा का भी साया रहेगा। चंद्रग्रहण रात 8:45 से शुरू होगा और रात 1 बजे तक रहेगा और इस ग्रहण का सूतक काल रात 9 बजे से शुरू हो जाएगा। चंद्रग्रहण के दौरान रखें इन बातों का खास ख्याल। नंबर 1, चंद्रग्रहण के समय खाना बनाना और खाना दोनों ही मनाही है। अनाज या पकाया हुआ खाना हो तो उसमें ग्रहण लगने से पहले तुलसी की पत्ती डालकर रखें। नंबर 2, चंद्रग्रहण के समय कोई पूजा अर्चना नहीं करनी चाहिए, साथ ही घर के मंदिर के गेट बंद या पर्दा डाल देना चाहिए। नंबर 3, चंद्रग्रहण के समय सोना नहीं चाहिए, जितना संभव हो भगवान का जप करते रहे। नंबर 4, गर्भवती महिलाओं को ग्रहण के समय घर से नहीं निकलना चाहिए। नंबर 5, गर्भवती महिलाओं को इस दौरान चाकू और कैंची के इस्तेमाल से बचना चाहिए, साथ ही ख्याल रखें कि इस दौरान पेड़ पौधों को भी न छुए। 5 मई 2023 को चंद्रग्रहण समाप्ति के बाद इन सफ़ेद चीज़ों का दान अवश्य करें, क्योंकि ग्रहण के अशुभ प्रभाव को दूर करने के लिए चंद्रग्रहण के समय और बाद में चंद्रमा से संबंधित चीज़ें जैसे कि चावल, सफ़ेद कपड़े, सफ़ेद फूल, चीनी, बेल, मोती, शंख, दही, शक्कर आदि चीज़ों का दान करना चाहिए। ऐसा करने से कुंडली में चंद्र की स्थिति मजबूत होती है और धन धान्य में वृद्धि होती है। वीडियो में बताई गई जानकारी यदि आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।